आइए जरा एक निगाह घड़ी की तरफ भी डाल लें। अरे हाँ, घड़ी की बात पर मुझे याद आया, हमारा अगला कार्यक्रम भी समय के बारे में ही तो है। तो चलिए देखते हैं कार्यक्रम समय और चाल। आज हम आपको बताएंगे समय और चाल के बारे में। तो समय को वैसे तो हम नापते हैं घंटे में, सेकंड में और मिनटों में। इसी प्रकार दूरी को हम नापते हैं किलोमीटर में, मीटर में और सेकंड इत्यादि में। तो चलिए हम आपको बताते हैं चाल की परिभाषा के बारे में। इकाई समय में चली गई दूरी चाल या गति कहलाती है। चाल और गति एक ही चीज के दो नाम हैं। इकाई समय में चली गई दूरी चाल या गति कहलाती है। अब समय की इकाई अगर हमने मानी सेकंड, अगर हमने समय की इकाई मानी सेकंड, तो एक सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यानी इकाई हो गई सेकंड, तो एक सेकंड में चली गई दूरी क्या हो गई? चाल। अब हम आपको बताएंगे चाल के सूत्र के बारे में। चाल का सूत्र बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर दूरी को हम समय से भाग दे देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी? चाल। जितनी दूरी चली, जितने समय में चली, उन दोनों को भाग देने पर चाल हमें मिलती है। अब चाल की इकाई क्या होती है? मान लीजिए दूरी ली हमने किलोमीटर में। दूरी ली किलोमीटर में और समय लिया सेकेंड में। तो दूरी की जगह किलोमीटर लिखा और समय की जगह लिखा हमने घंटा। समय लिया हमने घंटों में, तो इकाई क्या हो गई? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए दूरी है 25 किलोमीटर। दूरी बराबर है 25 किलोमीटर और समय बराबर है पांच घंटे। तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी यानी 25 को भाग देंगे समय से यानी पांच से। पांच एकम पांच, पांच पन 25, यानी चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम चाल निकाल सकते हैं। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मतलब समय, दूरी और चाल में से, तीनों में से अगर हमें कोई भी दो चीज दे रखी है तो हम तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या था हमारा? चाल बराबर था दूरी बटे समय। चाल बराबर था हमारा दूरी बटे समय। तो समय बटे क्या, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। और इसी तरह दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुणे चाल। समय को जब चाल से गुणा कर देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी, और दूरी को जब चाल से भाग दे देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। मान लीजिए दूरी है 100 मीटर। मान लीजिए दूरी है 100 मीटर और चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी 20 सेकेंड क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यानी अगर दूरी हमारी मीटर में दे रखी है और चाल मीटर प्रति सेकेंड में दे रखी है, तो समय हमें किस में मिलेगा? सेकेंड में मिलेगा। इसी तरह अगर समय हमारा सेकेंड में होता, दूरी हमारी मीटर में होती,
तो हमें चाल किसमें मिलती? मीटर प्रति सेकंड में मिलती। अब मान लीजिए चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है, समय है 5 घंटे। तो दूरी क्या हो जाएगी? 5 घंटे समय गुणे चाल। दूरी क्या होती है? समय गुणे चाल, यानी दूरी हो जाएगी हमारी, समय हो गया 5 और चाल हो गई 20, यानी दूरी हो गई 5 × 10, यानी 5 × 10 और 1 = 0, 100 किलोमीटर हो गई हमारी दूरी। अब हम चलिए चाल के ऊपर कुछ और सवाल हल करते हैं। मान लीजिए समय बराबर है 1 मिनट, और दूरी बराबर है 120 मीटर। तो हम मिनट को पहले किसमें बदलेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो अब चाल क्या हो गई? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 120, और समय कितना है? 60। यानी चाल हो गई हमारी, शून्य से शून्य कट गया, 6 × 6, 6 × 12, यानी चाल हो गई हमारी 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हम कुछ और सवाल हल करते हैं। मान लीजिए समय है हमारा 5 सेकंड और चाल है हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब समय और चाल दिया है, क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर हो गई समय गुणे चाल। दूरी बराबर हो गई समय गुणे चाल। समय कितना है? 5। चाल कितनी है? 20, यानी 5 × 20 = 100। 100 मीटर क्या हो गई? दूरी हो गई। यानी यदि समय 5 सेकंड का लगता है और चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणे चाल, यानी दूरी हो गई 5 × 20, यानी 100 मीटर। अब यदि चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड में, और हमें इसे बदलना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए चाल दे रखी है हमारी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो इसको हम सबसे छोटा हल बताएं, अगर हम इसे 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो किसमें बदल जाएगी? किलोमीटर प्रति
घंटे में बदल जाएगी। 18 दूनी 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचेंगे कि ये मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे में किस प्रकार चेंज हुआ। देखिए हम आपको बताते हैं। अब अगर चलिए हम आपको अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड को अगर मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी 5 दूनी 10, 10/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कैसे होता है, देखिए 2 को किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक। घंटे को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटे = 60 मिनट और 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो अगर हम इसे हल करें, ये शून्य से कट गया, ये शून्य से कट गया, 2 पंजे 10, 2 3 6, यानी हमारा क्या आया, 2 × 5/6 = 18, यानी 2 × 5/18, जिससे हमें मिलेगा 10/18 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में और मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। दीक्षा, 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 दीक्षा।